हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी द्वारा, वो आपके लॉ ऑफिसर, डेंटल सर्जन एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन या इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com के लिंक पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं तो अपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको वैकेंसी डिटेल दी गई है, आप अपनी एलडीटी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस डिटेल को आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे इस अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसके होम पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपकी वैकेंसी है, इसके सामने ही आपको यहाँ लिंक मिल जाता है अप्लाई का। आप उस सेक्शन के सामने क्लिक करेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलता है अप्लाई का। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर फ्रेंड्स इसके जो भी एलडीटी कंडीशंस हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप आराम से सभी डिटेल को पढ़ सकते हैं और यदि फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं तो उस कंडीशन में आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई नाउ का। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिस पे काम करता है, मतलब OTR सिस्टम पर ये काम आपका करता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में तो फ्रेंड्स आप सीधे ही यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। फ्रेंड्स आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ओपन होते हैं जो कि गुजराती एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में फ्रेंड्स यहां पर आपको अवेलेबल हैं। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको आई एग्री कर देंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पर फिल करनी होती हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप टाइटल यहां से चूज करेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी सरनेम है और आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर आपको सरनेम एंटर करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहां से आपको करना है आपका फर्स्ट नेम एंटर। इसके बाद है फादर या हस्बैंड नेम, तो फ्रेंड्स आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आप यहां पर एंटर करना चाहें वो फ्रेंड्स आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर मदर नेम की एंट्री करनी है, तो देखिए मदर नेम जो है आपका यहां नेसेसरी है, फादर या हस्बैंड नेम यहां पर अभी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स जेंडर का ऑप्शन है, आपका रीसेलेक्ट आपको करना है, दोबारा से वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है जनरल है या फिर आपकी एससी है, बीसी है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपकी कैटेगरी यहां पर रिजर्व कैंडिडेट हैं आप, जैसे आप एससी या एससी बीसी या फिर एसटी जो भी आप यहां पर चूज़ करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू की है और कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका किस स्टेट से आपका यहां पर अवेलेबल है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहां पर डिटेल दे सकते हैं आपके कास्ट की, पर फ्रेंड्स अदर स्टेट को यहां पर जनरल में ही काउंट किया जाता है, रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलता है जो कि गुजरात के निवासी हैं। फिर भी आपकी जो डिटेल्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट की वो फ्रेंड्स आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स का, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर फिल करना होगा। तो आपका जो भी पूरा एड्रेस आप लिखते हैं वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में फिल कर देंगे। आपका जो भी स्टेट है वो फ्रेंड्स आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो तालुका है वो आपको फ्रेंड्स यहां पर सेलेक्ट करनी है, आपका जो पिन कोड है वो फ्रेंड्स आपको यहां जो है फिल करना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर और इसको है रीटाइप मोबाइल नंबर, मतलब आपका जो भी 10 डिजिट मोबाइल नंबर है ये आप यहाँ फिल करेंगे। और फ्रेंड्स ये मोबाइल नंबर बिल्कुल आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए क्योंकि आगे के लिए जो OTP है वो फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर पर ही मिलने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मेल आईडी दी गई है, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको दो बार फिल करेंगे क्योंकि आगे की जो भी प्रोसेस होगी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रिलेटेड वो सभी आपको मेल आईडी पर भी मिलेगी। इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो मेल आईडी है वो बिल्कुल आपको एक्टिव एंड वैलिड यहाँ पर रखना होगा।
ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मिलता है अदर डिटेल्स का ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ स्पोर्ट्स है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका स्पोर्ट्स लेवल क्या है, किस वर्ष में आपने ये कम्प्लीट किया है, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस वर्ष का है और किस अधिकारी ने आपका ये जारी किया है, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना होगा। यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस करते हैं तो, नहीं तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। इसके बाद है फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए, यदि फ्रेंड्स आप इनमें से किसी में भी एलिजिबल हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सेम फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो सर्टिफिकेट है, तो आपका वीडियो यदि आप हैं तो आप यहाँ पर यस करके आपका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट और प्रमाण पत्र किसने जारी किया है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, तो आपने कब से कब तक आपकी ड्यूटी रही है, मतलब ज्वाइनिंग की डेट, आपके रिटायरमेंट की डेट, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है, और फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर उत्तराधिकारी का नाम यहाँ पर देना है कि आपका किसने ये जारी किया है। इसके बाद है करंटली वर्किंग एज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि फ्रेंड्स करंटली आप वर्किंग में हैं गुजरात स्टेट में, तो फ्रेंड्स आप यहां पर यस करके वो सर्विस का जो ड्यूइंग डेट है और नेम ऑफ डिपार्टमेंट दे सकते हैं, नहीं तो आप इन पे सभी पर नो कर देंगे यदि आप इनमें एलिजिबल नहीं है तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है लैंग्वेज नोन का लैंग्वेज, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका जो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों आपको यहाँ दी गई है, आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं उस पर रीड राइट स्पीक आप यहाँ पर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका जो पैटर्न है उसमें गुजराती लैंग्वेज भी आपसे पूछी जाती है, मतलब अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो पेपर क्वालिफाई करना आपको थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो क्योंकि जो कि स्टेट वैकेंसीज टाइप में है ये, जैसे आप महाराष्ट्र का भरते हैं तो मराठी लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, यदि फ्रेंड्स आप वेस्ट बंगाल की भरते हैं तो आपको बांग्ला लैंग्वेज आनी चाहिए, यदि आप गुजरात की भरते हैं तो आपको जो है गुजराती आनी चाहिए। तो स्टेट जो वैकेंसीज हैं जो कि स्पेशल अलग जो लैंग्वेज होती है उनमें फ्रेंड्स अगर उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है या आपने वो पढ़ी है आपके एज ए सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स आप आराम से इसमें अप्लाई कीजिए। बाकी अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपके पास गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज है तो, नहीं तो फ्रेंड्स आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप रहने दे सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन, तो देखिए आपकी जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, और इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो साइज़ है वो 15 KB यहाँ पर रहता है, चाहे सिग्नेचर की बात करें, चाहे फ्रेंड्स आप यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें, और फ्रेंड्स यहाँ पर चाहे आप इस जो फॉर्म है आपका इसमें आपकी जो फोटो है वो फ्रेंड्स आपको करंट की फोटो अपलोड करनी है, अच्छी कंडीशन में आपकी वो फोटो होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपकी जो फोटो एंड साइन है उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ शो कर जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ फिल की हैं वो बिल्कुल सही हैं, आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस डिटेल को आप यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी, और जो OTP आएगी वो फ्रेंड्स आपको यहां पर फिल करनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको इस सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर है वो फ्रेंड्स आपको मेल आईडी पर और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको करना है अब लॉगिन। इसके लिए फ्रेंड्स आप दोबारा से इसके होम डेस्क पर आएंगे, और होम डेस्क पर आने के बाद आपका जो भी OTR नंबर है मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां फिल करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहां पर फिल करेंगे, और फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे इस अप्लाई विद OTR सिस्टम पर, जिससे फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आप लॉग इन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन कर जाएंगे आपकी होम डेस्क पर, जो कि इसके अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के लिए है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप पहले फिल कर चुके हैं। इसके बाद है आपका एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एजुकेशन डिटेल है इसमें आपके पास BE, BTech, सिविल इंजीनियर होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज या परसेंटाइल जो भी है वो फ्रेंड्स आप यहाँ फिल कर देंगे, आपका ग्रेडिंग सिस्टम आपको बताना है, यहाँ पर अपना जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बता सकते हैं, यदि आप ग्रेडिंग सिस्टम आपका नहीं है आप यहां पर NA सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्लास से आपका डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड या पास या नॉट एप्लीकेबल आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम बॉडी आपको बतानी है, मतलब आपके बोर्ड का नाम आपको यहां पर बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर स्टेट बताना है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, और इसके बाद फ्रेंड्स पासिंग ईयर आपका क्या है वो आप यहां पर बता सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके एसेंशियल या एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो फ्रेंड्स आप इस अदर पर क्लिक करके उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। यदि नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ पाएंगे। यदि फ्रेंड्स आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस को देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एनी पर सेलेक्ट करेंगे। आपका जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पर आप काम करते थे वो आपको देना है, कब से कब तक आपने काम किया है, आप कहाँ पर काम करते थे, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयर एड्रेस आपको देना है, पिन नंबर देना है और आपकी लास्ट सैलरी आपने क्या ली थी वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बतानी है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा, अगर आपके पास ज़्यादा अलग अलग कंपनी या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एड एक्सपीरियंस के माध्यम से आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप दे सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए इसलिए हम इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस वाले ऑप्शन पर और उसके बाद फ्रेंड्स क्लिक करेंगे सेव के ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो एप्लीकेशन नंबर है और उसके बाद जो कंफर्मेशन नंबर है वो दोनों ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शो करते हैं। आप चाहें तो इस वाले डिटेल को आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन करके भी यहाँ से आपकी जो डिटेल्स हैं उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है फीस सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डिटेल्स हैं उसको आप यहाँ से अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से आपकी जो डिटेल्स हैं उसको स्टेटस चेक करना चाहते हैं आपकी फ़ीस का तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस चालान के माध्यम से आपका जो पेमेंट है वो कन्फर्म करना चाहते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपकी जो भी जॉब है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका कन्फर्मेशन नंबर जो आपको मिला है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालकर यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो कन्फर्म आप कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ से जो भी आपका चालान है चालान माध्यम से करना चाहते हैं, आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप पे वाले फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके जो भी डिटेल्स हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ शो करेंगी और सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का। आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिल जाते हैं आपके कार्ड पेमेंट के लिए या फिर आपके जो भी, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं और किसी भी माध्यम को आप सेलेक्ट करके आपका जो पेमेंट है वो फ्रेंड्स आप कंफर्म कर सकते हैं। इसको कंफर्म करने के बाद आपकी जो भी कार्ड की डिटेल्स हैं वो आप यहां फिल करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो फ्रेंड्स आप कंप्लीट कर लेंगे। यदि फ्रेंड्स आपका पेमेंट नहीं लगता है, यदि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फ्रेंड्स आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है वो फ्रेंड्स आप चेक करके आपका जो भी प्रिंट आउट है वो निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं jobrasta.com की वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।